we should be thankful to our parents, to our mentors, right, for allowing us to take good education. So a big clap for our parents. I really wish to dedicate a nice poem. Would you like to listen to it? Yes, ma'am. Great. It is a kind of a very motivational poem, and the title of my poem is Jeevan Hai Anmol. Wow. I have written it, yes, with a belief that all of you must make the most out of this life. All of us. This is a beautiful life that has been blessed to us by God. We must make the most out of it, right? Our poem is like, ये जीवन है अनमोल साथियों, व्यर्थ ना इसे गवाओ, कर्म करते जाओ, कुछ नए धागे बुनते जाओ, नित नए सपने जीते जाओ, आशाओं की उड़ान भरते जाओ, बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। गर अभिलाषा है कुछ करने की, गर अभिलाषा है कुछ करने की, तो है अभिलाषा कुछ करने की? ग्रेट। गर अभिलाषा है कुछ करने की, तो समय पर चिंतन कर लो, कर अपने मन पर काबू। जो आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, मन पर काबू नहीं होता। कर अपने मन पर काबू, उठो और अपने लक्ष्य को साधो। All of you have dreamt of a beautiful future and all of you have set your goals. So it's high time now. अपने लक्ष्य को साधो। नहीं कोई लक्ष्य ऐसा जिसे तुम भेद ना सको। Am I right? ऐसी impossible नाम की कोई चीज ही नहीं है। Impossible word itself says that I am possible, right? So नहीं कोई लक्ष्य ऐसा जिसे तुम भेद ना सको। नहीं कोई चट्टान ऐसी जिसे तुम नाप ना सको। नहीं कोई चट्टान ऐसी जिसे तुम नाप ना सको। श्रृंगारित करो अपने मन की अभिलाषा को। जो आपके मन की अभिलाषा है ना, उनको श्रृंगारित करो। अपने प्यारे प्यारे सपनों को साकार करने के लिए नित नए कर्म करते चलो। पुट एफर्ट्स, राइट? सो श्रृंगारित करो अपने मन की अभिलाषा को एक अखंड ज्योत व अमिट उज्जवल ज्वाला से। किससे श्रृंगारित करेंगे हम अपनी अभिलाषाओं को? एक अखंड ज्योत व अमिट उज्जवल ज्वाला से। खूब ज्वाला है तुम सब में, राइट? फिर देखो कैसे छटती है काली घटाएं। फिर देखो कैसे छटती हैं काली घटाएं। तुम संग चलती हैं प्रेरित स्वर्णिम अभिलाषाएं। जो अगर तुम्हारे मंसूबे बुलंद होंगे, इफ़ योर डेडिकेशन इज 100%, देन योर ड्रीम्स वुड कम टू रियलिटी फॉर श्योर। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन फ्रॉम दीज लाइन्स। फिर देखो कैसे छटती हैं काली घटाएं, तुम संग चलती हैं प्रेरित स्वर्णिम अभिलाषाएं। अपनी कर्मठता से बनते हो तुम एक नए उदाहरण। जो बच्चा अच्छे से कर्म करेगा, जो डिटरमाइंड रहेगा, द पर्सन हु इज़ रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस वुड रियली सेट एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। एम आई राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई मीन इन दीज लाइन्स। अपनी कर्मठता से, मतलब अपने काम करने के ढंग से, अपनी कर्मठता से बनते हो तुम एक नए उदाहरण। नए पीढ़ियों को करते उत्साहित। आप एक उदाहरण बनोगे तो काफ़ी सारे लोग आपसे उत्साहित होंगे। दे विल गेट मोर एक्साइटेड, दे वुड लाइक टू बी इन योर प्लेस। फिर नई चुनौतियों से प्रोत्साहित। आप उनको क्या करेंगे? नई चुनौतियों से प्रोत्साहित करेंगे। फिर नई चुनौतियों से प्रोत्साहित। थैंक यू सो मच। The crux of my poem is, the message I really wanted to give through my poem is that all of you can be the role model for future generations. Right? Thank you so much. And special thanks to Neena ma'am, because all who are sitting here, na, that like well groomed, well mannered, all credit goes to her. Oh, thank you ma'am. It's a teamwork. Okay. And to all of you. Thank you.